कहा है, इसके पीछे का कारण जानो मुझे। मैंने पत्रिका के माध्यम से आपको वचन दिया है कि मैं तुम्हारी सारी सिद्धियां, तुम्हारे सारे काम करवाऊंगा। तो मैंने प्रयत्न कर रहा हूँ और मेरे प्रयत्न को समझा करो क्यों मैंने बात कही है। जो मेरे हाथों के सामने से होकर हुआ वो सिद्धियों को खोए। आप इसके बाद क्या करो कि यहाँ सिद्धासन की योग्यता योगियों का लड़ना है। आप पूछ रहा हूं, मैंने पत्रिका के माध्यम से आपको कहा है, आप हमारे वाले जीते हैं और आगे जीने के रहेंगे ये हमें पता है। लेकिन जो वचन किसी से कहे कि स्थापना का मेरा उद्देश्य था, जितने लोग उससे जुड़े हुए हैं, जीवन में हमने देखा है, वो जीवन में आगे याद रखें कि किसी से कहे कि संसार कुछ काम करके गया है। यह अभिषेक खाली नहीं है, यह अभिषेक का आपका ये जल आप देंगे, सिद्धार्थ की साधना करेंगे, सिद्धार्थ प्राप्ति को ले जाऊंगा। नहीं ले
जब गुरु जी को यहाँ सामने बिठा दूंगा, मैंने आज आपको जो मंत्र सुबह दिया है उस मंत्र की एक माला गुरु जी को बिठाने के बाद करो, उसके बाद मैं सिद्धाश्रम का मंत्र दूंगा, वो पांच माला जब करने के बाद ही आपको खाना खाने को भेजूंगा। सभी लोग गुरु जी पर दृष्टि रखते हुए, मेरे ऊपर दृष्टि रखते हुए मंत्र करना है जो मैंने सुबह मंत्र दिया है आपको। सुबह नहीं हुआ आपके जिनके साथ, वो अभी भी कर लो। आपकी उस इच्छाओं को पूर्ति के लिए मैं प्रभु सर्वदेव से प्रार्थना करता हूँ कि हम सभी लोग कुछ दशमान जगह साथ है, सिद्ध है, हमें नहीं पता, हमें जाना है उसका मार्ग मैं जानता हूँ, किस रास्ते से आपको ले जाना है मैं जानता हूँ, और मैं उस रास्ते से तुम्हें ले जा रहा हूँ। आप इस बात को याद रखो कि आपको क्या करना है। मैं जिस समय यहाँ खड़ा होता हूँ, मैं खड़ा नहीं होता, उस उन योगियों को उन गुरु अनिल कुमार जोशी को यहाँ बैठा हूँ, वो शिफ्ट मास्टर हूँ, रिंग मास्टर हूँ, आपको एक एक किस तरफ को ले जा रहा हूँ, जिस मार्ग से आपको जाना है वो मार्ग में आपको प्रशस्त कर रहा हूँ, जिस मार्ग से आपको जाना है। इस बात को याद रखते हुए आप एक बार आप भी मंत्र करो और मैं भी करता हूँ, तब तक ब्राह्मण इस सारी चीजों को पूजा करते हुए गुरु जी को अपने स्थान पर बिठाएंगे, तब तक आपको एक माला मंत्र करना है। मैंने मंत्र सुबह लिखवाया है फिर भी आपको अगर एक बार फिर मंत्र सुनना है तो फिर एक बार दीक्षा ले लो, मैं मंत्र देता हूँ। बैठा हुआ है गुरु जो कह रहा है वो आज्ञा का पालन, हम आंखें मूंद कर करें, हमें आगे हमें कुछ भी नहीं मालूम। जब यह व्यवहार आप में आता है तभी गुरु आपके ऊपर प्रसन्न होकर आपको उस मार्ग पर ले जाता है। మీరు కళ్ళు మూసుకొని గురుజీ ఏం చెప్తున్నారో అది వినండి. మీ ముందు గురువు ఉన్నాడు, మీ ముందు నా గురువు ముందు మీరున్నారు. మీరు మీ భార్య భర్త పిల్లలు వీళ్ళందరినీ మీ వ్యాపారాన్ని వీటన్నింటినీ మర్చిపోండి, మీరు కోరిక చెప్పుకోండి. ఇస్సే పైనే కి మే ఆప్కో కహూ ఆప్కీ ఇచ్ఛా ఆప్కీ మన్ మే ఏ ఇచ్ఛా కర్లో కి అధ్యాత్మ మార్గ మే జో శ్రేష్ఠ మార్గ హై ఉస్ మార్గ పర్ హమ్ చల్నా చాహతే హై ఉస్ సిద్ధాశ్రమ కో జో పృథ్వీ కా స్వర్గ సే భీ బఢ్కర్ కహా జాతా హై జహాన్ ఇంద్రాది దేవతా భీ ఆనా చాహతే హై ఐసే సిద్ధాశ్రమ మే ప్రవేశ్ పానా చాహతే హై ప్రభు హమ్కీ ఉస్కే లియే మార్గ సక్షమ్ కరో, हम उस मार्ग से गुरु जी के चरणों को देखना चाहते हैं, गुरु जी को देखना चाहते हैं, ये मन में धारणा करो। मैं एक मिनट का समय देता हूँ, आप पूर्ण रूप से आंख मूंद कर उसी प्रार्थना करो कि हमें वहां जाना है। मैं आपको जिस सिद्धासन की बात कह रहा था उस सिद्धासन के बारे में बताया, दादा स्वामी से चिदानंद सद्गुरुदेव और कोई नहीं, दत्तात्रेय भगवान को दादा लोग आदि गुरु के नाम पे जाना जाता है। अगर ये बात सच है तो एक घटना उनकी जीवन की भी उस समय की है। भगवान दत्तात्रेय के शिष्य में विश्वकर्त जो बाद में विश्वामित्र हुए और जमदग्नि, ये दो ही ऋषि भगवान दत्तात्रेय के गुरुकुल में अपनी विद्या सीख रहे थे। जब विद्या उनकी विद्या पूर्ण हुई तो दत्तात्रेय ने को लगा विद्या तो पूर्ण हुई, इनके एक बार परीक्षा लेना चाहिए कि उन्होंने मेरी विद्या को कहां तक समझा, कहां तक अवगाहन किया, कहां तक समझ ली। तो दत्तात्रेय भगवान उनको आने के बाद कहा कि आपकी विद्या पूर्ण हुई। दोनों ने भी कहा, विश्वरत्न ने भी कहा और जंगल के महामुनि ने भी कहा कि प्रभु हम आपको छोड़ के जाना नहीं चाहते, हम तो गुरु के पास रहना चाहते हैं, हमने क्या सीखा है हमें पता नहीं, लेकिन आप हम आपके पास ही रहना चाहते हैं। तो दत्तात्रेय भगवान कहते हैं झाड़ कितना भी बड़ा हुआ हो उसको फल लगे हुए हो तो फल झाड़ का भी लगे तो वैसे गुच्छा रहेंगे, खराब हो जाएंगे, वो फल लोगों के लिए उपयोगी हो। आप दत्तात्रेय नाम के पुरुष के फल हो और लोगों के कल्याण के लिए आपको काम करना है, इसलिए आपको लोग कल्याणार्थ जाना ही होगा। ऐसा दत्तात्रेय भगवान ने विश्वरथ जो विश्वामित्र थे और जमदग्नि महामुनि को कहा, दोनों की परीक्षा की ओर कहा। जाते जाते समय में आखिर में आपको एक प्रश्न पूछता हूँ, उसका जवाब देते जाना। तो उन्होंने पूछा आप प्रभु हैं, हमें अगर उत्तर आ गया तो हम जरूर उत्तर देंगे। पहले दत्तात्रेय भगवान ने कहा आप दोनों में गृहस्थ बनेंगे, तो दोनों ने कहा आपकी इच्छा हो तो गृहस्थ बन सकते हैं, ठीक है गृहस्थ बनेंगे। तो गृहस्थ का कर्म होता है अपनी पत्नी को देखना, अपने बच्चों को देखना, ये कर्तव्य है। लेकिन मैं दत्तात्रेय नाम का गुरु मैं ये बात कह रहा हूं जो गीता
उसका एक बेटा, उसका जो भी मौसम से बेटा है वो मर जाएगा, जो जीता उसका बेटा मर जाएगा, जो हारा उसका श्री लक्ष्मी से सब चले जाएंगे। मैं यह इसी स्पर्धा रखा हूं, क्या इस स्पर्धा में आप भाग लेंगे? दोनों को पहला प्रश्न पूछा गया, दोनों की चिंता पड़ गई, जीता तो बेटा चला जाएगा, बेटा नहीं रहेगा, और हारा तो सारी स्त्री लक्ष्मी स्थिति आप सब चले जाएंगे। दोनों ने कहा प्रभु ये क्या परीक्षा है? परीक्षा इसी तरह होती है, आप इस परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं तो आप आगे बढ़ो, आगे इस प्रकार का फैसला मैं बताऊंगा, बाद में जता देगा। ठीक है, पहले आप ये बताओ कि इस परीक्षा का रिजल्ट जो भी होगा होगा, अगर इस परीक्षा में ऐसा हुआ कि जिसको एक आदमी जीता उसका बेटा चला गया तो उसको क्या करना चाहिए, और दूसरे ने कहा उसकी स्त्री संपत्ति सब चले गई तो वो क्या करना चाहिए? विश्वरूप ने कहा इस संसार में जिसको गुरु हो, जिसके पास गुरु नाम की शक्ति है, वह चाहे पति पत्नी बेटा ये सब हो, आज जाने ही वाले लोग कल्याण से कर्म करना ही चाहिए, और वह अपने गुरु की आज्ञा पर चलते हुए उसका कार्य करना चाहिए। यह बात विश्वरूप ने कही। जबकि जमदग्नि महामुनि को पूछा गया तो कहा कि बेटे को इस संसार में आने का अधिकार नहीं है, अपनी खुशी के लिए मैंने उस बेटे को उत्पन्न किया, तो बेटे का कर्तव्य मेरा उतना ही है, बेटे को मरने देने वाला बाप बाप नहीं कहलाता, पति पत्नी नहीं कहलाती, उसे ऐसा नहीं हो जाता कि उसका बेटा मरता है। भगवान दोनों की बात सुन रहे, मेरी खुशी के लिए मेरे ही से मैं बेटे को जन्म देता हूं और बेटे को मारता हूं इस सत्ता के लिए, तो मैं बाप नहीं हूं, इसलिए मैं बेटे को जन्म नहीं देना चाहिए, बेटा हुआ तो बेटे की रक्षा करना चाहिए, ये कर्तव्य प्रथम कर्तव्य है, जो बेटे को जन्म नहीं देना चाहिए, ये जमदग्नि महामुनि कह रहे थे। और विश्वरूप विश्वामित्र कह रहे थे कि ऐसा कुछ विवाह लोक कल्याण क्या, लोक कल्याण करना सब कुछ गया तो जाने दो उसको छोड़ने वाला, ऐसा विश्वरूप ने कहा। दत्तात्रेय भगवान ने कहा कि आप दोनों की परीक्षा में सच कौन है और झूठ कौन है, इसकी परीक्षा मैं लेना चाहता था। मैं अगर आपको कहूं कि मैंने आपकी स्पर्धा कर दी और आप स्पर्धा में दोनों भी जीत गए तो बात क्या कहेंगे? विश्वरूप ने कहा ऐसा कैसे हो सकता है? विश्वरूप प्रकृति पर आधार प्रकृति को अपने में रखने की समस्या अपने में अपने कंट्रोल में लेने की शक्ति पूर्व में है, इसलिए तो एक बात कही कि बेटा रहा या माता पिता रहा या कुछ भी रहा तो इसके बारे में मेरा कुछ काम नहीं है। तू वृक्षों से फल उत्पन्न करके फल को बांटने वाला तू है, वृक्ष को बीज लगाकर बढ़ाने वाला जमदग्नि है, दोनों के संसार के लिए उतने ही अधिकारी है, आप दोनों को मैं सिद्धांत ले जाने की क्रिया करता हूँ और दोनों को कैसे बात देता हूँ। एक वृक्ष को फलता है, एक वृक्षों को बीज बनाया, ये बात कहेगा। और जमदग्नि महामुनि ने नमस्कार किया और कहा कि मेरे लिए कहा तूने जैसा कहा तेरा बेटा महान श्रेष्ठ संसार का श्रेष्ठ व्यक्तित्व होगा, कि जमदग्नि को आशीर्वाद दिया। आपको पता है जमदग्नि के पुत्र परशुराम के नाम संसार में सर्वश्रेष्ठ क्षत्रिय के नाम चार बार बोले इस पृथ्वी को जीता। विश्वरथ जब विश्वामित्र होके बाहर आए तो वो अगर आपने कभी गुरु जी का किताब पढ़ा है तो इतनी श्रीहीन हो गए कि उनको खाना खाने के लिए घोड़े को डाले हुए दाने चबाने पड़ते थे और उनके साक्षी से जाने वाले आंखों से पानी पड़ते थे, उनकी आंखों में पानी आता था और कहते थे कि ये क्या जिंदगी है, वशिष्ठ का आश्रम देखो इतनी देरी होगी, मैं उसको पूर्ण तरीके से जन्म लूंगा, उसकी सृष्टि करूंगा। और उस स्त्री को सृष्टि करने के लिए आपको अगर पता है तो गुरु जी ने कहा था कि अगर मैं विश्वामित्र हूं तंत्र मार्ग से मैंने आंगन में अगर लक्ष्मी को नहीं ले जाया तो मैं गुरु जी का शिष्य नहीं हूं, यह कार्य बार विश्वामित्र। और पहली बार लक्ष्मी की प्रतिष्ठित करने वाले विश्वामित्र ने यह बता दिया था कि उसके आश्रम में सोने की ईंटें लगी हुई थी, विश्वामित्र ने काम धेनु की जगह उन्होंने इस महिषी को निर्माण किया था। उसके बाद जब धर्मराज उसके उसे डर गए तो उन्होंने पहली बार महिष को अपने अपना वाहन करके कहा कि हे विश्वामित्र तुम रुक जाओ, क्योंकि गाय और बैल ही पहले देवता की सूची थी, महिष और महिष नहीं थी, पहले सिंह था उसकी प्रतिष्ठित ने टाइगर की यानी शेर को किया, इस तरह सृष्टि प्रतिष्ठित करते रहते देवता घबरा गए कि वो कह रहे थे इंद्र की प्रति नकों की कहीं सृष्टि न करते विष्णु के लिए और दूसरा विष्णु को सृष्टि नहीं करके ब्रह्मा का तू रुक जा विश्वरूप, तूने आज तक जो कार्य किया इस संसार में असंभव कार्य किया है, तेरी गुरु कृपा की इतनी है कि तू इस संसार में उस प्रकृति को निस्वार्थ रूप से कार्य करके बताया। और उसने
जब ये बात कहा प्रभु आप आज्ञा दो, भगवान दत्तात्रेय ब्रह्मा की बात ईश्वर सुनने के लिए तैयार नहीं थे। जब तक मेरे गुरु नहीं कहते तब तक मैं ये कार्य नहीं छोड़ूंगा। उनकी सूची के सूची अलग प्रदृष्टि कर रहे थे, तब स्वयं दत्तात्रेय भगवान आए और कहा कि इसी सामर्थ्य के लिए हे विश्वनाथ मैंने तुझसे यह वचन दिया था, तुझे श्रीहीन बनाया था, तो इस संसार में गुरु कृपा जिसके ऊपर हो वो चाहे श्रीहीन होंगे वो साधना के मार्ग से उसी को सिद्ध वस्ते कर सकता है। हम ज्योतिषियों की कुंडलियां देखते हुए हमारे भाग्य में है या नहीं है ये कहना भूल के डॉक्टर नारायण शिवाजी के शिष्यों के नाम पर नहीं लिखा है। भाग्य को बदलने की श्रेष्ठता कर सकते हैं केवल डॉक्टर नारायण शिवाजी की श्रेष्ठता। वर्षा कर सकते हैं, स्वर्ण को निर्माण कर सकते हैं, स्वर्ण की वृष्टि कर सकते हैं, ये साधना के बल पर ही हो सकता है। और उसी के लिए परम पूज्य सद्गुरुदेव ने साधक नाम की चीज रखते हुए सिद्धार्थ संसार परिवार की स्थापना की, सिद्धार्थ शिष्य परिवार की, सिद्धार्थ बेटे परिवार, सिद्धार्थ पिता परिवार नहीं किया, गुरु ने सिद्धार्थ साधक परिवार किया है। वो साधकों को चाहते जब तक इस भारत में गुरुकुल की परंपरा रही तब तक भारत के ऊपर किसी प्रकार का अंश नहीं आया, भारत कोई जीत नहीं सका। भारत में जब तक उन गुरुकुल परंपराओं में आयुर्वेद था तब तक यहाँ महामृत्युंजय ने महामृत्युंजय और रुद्रसेन ने विद्याएं थी, कायाकल्प विद्याएं थी, आज वो देखने को नहीं मिलती। हजारों वर्ष आज कल परसों के हमारे पास टैलेंट स्वामी 285 वर्ष 1935 तक जिए, 285 वर्ष तक, आज वो कायाकल्प विद्या कहाँ है, आज वो मृत्युंजय विद्या कहाँ है, आज वो महामृत्युंजय विद्या कहाँ है, वो कायाकल्प कहाँ है। आज बट्टे के बच्चे को 30 साल का बच्चा 25 साल का लगेगा बाल सफेद होने लगे, वो 25 साल में बूढ़ा होने लगा, वो कायाकल्प विद्या भर से गई कहां। और गुरु जी का केवल यही प्रयत्न था कि मैं उस विद्या को जीवित पुनः जागृत करूंगा। वो सिद्धाश्रम गए अपने गुरु से भी झगड़ा, सिद्धाश्रम में भी मैंने जैसा कल बताया आपको कि फूट भरे सिद्धाश्रम को पत्थर रूपी सिद्धाश्रम को नंदन वन बनाया। और वो यही चाहते थे कि जो भारत में गुरुकुल परंपरा चली गई है वहां साधकों को बनाकर इस भारत को वही स्तरी की चिड़िया बनाऊंगा। क्या कहते हुए सिद्धाश्रम से बाहर निकले और बाहर आए, जबकि सिद्धाश्रम में गुरु जी का स्थान संचालक के रूप में सारे सिद्धों को एक जगह इकट्ठा करते हुए चलाने की क्रिया थी। वो बैठे बैठे सारा ऐश्वर्य स्वर्ग की अप्सराएं गुरु जी के सामने अपने बाल बिछाकर उसके ऊपर चलने के गुरु जी को करती थी, ऐसे श्रेष्ठ थे स्वामी के सामने। लेकिन उन्होंने उन सभी को ठोकर मारकर अपने गुरु से प्रार्थना की कि मैं इन चीजों को छोड़कर मैं फिर भारत में पुनः जाना चाहता हूँ। सारे सिद्धाश्रम के योगियों ने गुरु जी के चरणों के लिए जो एक दिन उनके उनका विरोध कर रहे हैं, दादा गुरु स्वामी सिद्धाचार्य ने हमें कहा कि क्यों जाना चाहते हैं। उन्होंने कहा प्रभु आज सिद्धाश्रम में आप यहाँ बैठे हैं, हिमालय के कंदरा में आप सभी लोग बैठे हैं, आप अपने आप को शांति अनुभव करते हैं। भारत की क्या 200 साल से स्थिति बताएं, वहां की स्त्रियों को छेड़ा जाता है, वहां की स्त्रियों को मारा जाता है, दूसरे लोग अगर उस पर राज्य करते हैं उनको पूर्ण तरीके से नाश करते हैं, और आज हम यहाँ सिद्धाश्रम बैठे बैठे आनंद अनुभव कर रहे हैं। मैं ऐसे भारत को बदलना चाहता हूँ क्योंकि मैंने वहां उस जगह से आया हूँ जहाँ पुरी का पहला गाँव पाकिस्तान में था, पुरी का करते जहाँ आज भी गाड़ी नहीं जाती, लाहौर के पास कोई छोटा गांव था। मैंने वो दुख देखते हुए वहां से पाकिस्तान से जब वो वापस आए उनके पिताजी के साथ तो वो राजस्थान आए, जोधपुर जयपुर अजमेर आए, और वहां उन्होंने देखकर उनको दिल को जो ठोस पहुंची तब उन्होंने कहा कि मैं मेरे पूर्व भारत को जीवित करना चाहता हूँ, फिर गुरुकुल परंपरा को चालू करना चाहता हूँ। आज प्रोविजन बाजी दे गई, आज सब प्रोविजन करते हैं, रामायण महाभारत सब, कोई ये बनाना नहीं चाहता कि खड़गोगज कैसा बनता है, भीम कैसा बनता है, द्रौपदी कैसी बनती है, सीता और राम कैसे बनते हैं, और कोई बनना भी नहीं चाहते। वो कौन कष्ट होगा, कौन कष्टों को चाहेगा, लेकिन उसमें आनंद निर्माण करने की क्रिया परम पूज्य सद्गुरुदेव ने की। ऐसा कभी नहीं कहता, परम पूज्य सद्गुरुदेव जी का आपको शिष्य बनना है तो उस परीक्षा से गुजरना ही होगा, तुम्हें राम का वनवास प्राप्त करना ही होगा, तभी आप राम रह सकते। सोने को तपाया नहीं जाता वो एक आभूषण नहीं बनता। और गुरु जी की पहली क्रिया रहती थी कि गुरु जी अपने शिष्य को चुनते ही ऐसे थे। गुरु जी ने बात कही मुझे आज भी याद है, जोशी में पूरे भारत में आज भारत में सिद्धाश्रम तक भी मैं पहुंचा हूं, लेकिन मेरे वो एक 12 शिष्य ऐसे निकले जो मेरे संसार को बदलने वाले चाहता हूं, ऐसे शिष्य नहीं मिले। हर एक आदमी हर एक साधक एक समय तक आता है वहां से छूट कर चला जाता है, तो कहता है गुरु जी बस मैं इतनी सिद्धियां हूं, आपने स्वर्ण सिद्धि देगी मुझे बहुत है, आपने एक गुरु जी के पास एक आदमी आया था गुरु जी बहुत बीमार हूं, बहुत ऐसा हूं कि मेरे पास पैसा पैसा नहीं, तो गुरु जी ने कहा तो क्या करता है, क्या कुछ नहीं करता गुरु जी, बहुत हर प्रकार की दरिद्रता है, दरिद्रता से मिटने के लिए कोई मार्ग नहीं, केवल वही करेगा, केवल वही करूंगा, मैंने आपका शिष्य बना करता, मेरा शिष्य तो नहीं बन सकता, तो जिस चीज को मांगने की है वो मैं तुझे देता हूँ, चला जाऊँ।
गुरु ने उसको केवल श्वास की बीमारी जाने के लिए एक गुड़िया दी और कहा तीस लोगों को देने की गुड़िया रोज बनाया कर और उसको दिया कर, एक पैसा भी नहीं मांग तो धनवान मिल जाएगा। आज उसका नाम के साथ गुरु ने मंत्र पत्रिका में दी है। उसके पास बड़े बड़े लोग बाहर से लोग आगत करते थे, केवल 30 कुड़िया, और सुबह 7 बजे बैठता था, 9 बजे चला जाता था, किसी को एक कोई नहीं पैसा एक भी नहीं पूछता था। लेकिन इसके पास पैसों के ऐसा अंबारी बन गए कि एक एक आदमी कहता था तुम्हें मेरा घर लेके देता हूँ, तुम्हें प्रॉपर्टी देता हूँ, वो करोड़ों का मालिक बना। चाहे उस 7 के 9 बजे के बाद 1 मिनट से बाहर भी प्राइम मिनिस्टर भी आए, उसने कभी कुड़िया नहीं ली। गलती से उनके जो पुत्र हुए उन्होंने कहा कि बाबा मेरा दोस्त है, ये बहुत दूर से इंग्लैंड से आया हुआ है और आज 9 बजे हैं, उसको पुड़िया चाहिए, उसका प्लेन चले जा रहा है, उसको दे दो। कितना कहने पर भी बेटे को उन्होंने कहा कि ऐसी पुड़िया नहीं दूंगा बेटा, मैंने गुरु जी को वचन दिया है। जिस दिन बेटे और उसके प्रेम के वश उन्होंने पुड़िया दी, उस दिन से सिद्धि गायब, वो मंत्र काम नहीं करने लगा और उसने उस करोड़ की कमाई पास में पति चली। इसलिए कहता हूँ कि आज गुरु पूर्णिमा के दिन गुरु वचन को क्या कहता हूँ उसको मानो। गुरु वचन से जिस आश्रम से जिस तीर्थ को मैंने आज आपको आपके बारे में कहा है, जिस तीर्थ को मैंने आज डाला है, उस तीर्थ को आप पिएंगे और सिद्धाश्रम का मंत्र जिसके बारे में कहेंगे उसके बाद की क्रिया मैं आपको समझाता हूँ। पहली बार अगर निखिल चेतना केंद्र में पंचमुखी आसन की स्थापना की है तो आज ऐसा तीर्थ दिया हूँ, आज उस पंचमुखी आसन पर आप सभी को रात ब्रह्म मुहूर्त में कल सभी को बिठाऊंगा, उस सिद्धाश्रम के मंत्र के साथ आपकी इच्छा के साथ ही परम पुरुष सत्यदेव जी हमें उन्हीं का स्थापना केवल पहले से आज तक 18 पंचमुखी आसन और 3 नवमुखी आसन है और उस पंचमुखी आसन में आज निखिल चेतना केंद्र में 3 पंचमुखी आसन की स्थापना हुई और लास्ट टाइम हम जब आए थे मैंने आपको उसके ऊपर चढ़ने नहीं दिया, जाने नहीं दिया, बैठने नहीं दिया। लेकिन इस एक वर्ष में कोई नहीं जानते, ताला डालकर 500 लोग आश्रम के लोग जानते हैं, किसी को मैंने अंदर नहीं। इसका कारण केवल यही था कि वहां उस निर्गुणता से सूक्ष्मता से किसी को नहीं दिखते हुए रोज योगी आकर बैठकर साधना करते रहते और उस आसन को सिद्ध किया। आज वो सिद्धासन हुआ है, इसलिए मैंने पत्रिका के माध्यम से आपको कहा है कि मैं तुम्हारी सारी इच्छाएं पूर्ण करूंगा क्योंकि मैं निखिल चेतना केंद्र के पंचमुखी आसन सिद्ध हो गए हैं और मैं आज सभी को जिस मंत्र को देना उसको जो भी इच्छा व्यक्त करेंगे वो इच्छा इस जीवन में भी इनकी पूर्ण हो ऐसी आशा दो और इस गुरु पूर्णिमा के दिन कल ब्रह्म मुहूर्त में आप सभी को भी बच्चों के आसन पर बैठने का अवसर दिया। इस इच्छा के साथ कि मैं किस उद्देश्य से निखिल चेतना केंद्र की स्थापना किया हूँ और किस उद्देश्य से आगे लेकर चल रहा हूँ ये मुझे परंतु जी सदगुरु जी से मैंने बहुत बार आपको बताया। साधना करने की स्थल कहीं भी नहीं है, आज मंदिर गुरुद्वारा जंगल नदी का किनारा कहीं भी जाओ अगर हम मंत्र मंत्र करके पढ़ते हैं तो अपने को तांत्रिक और मांत्रिक नाम से पुकारा जाता है और उसको एक ही मालूम है सारी चीजों को, उसने गलत चीजों को करता है। ऐसा नहीं, मंत्र तंत्र लोक कल्याणार्थ है, ये बात हम बताएंगे आने वाली पीढ़ी को, आने वाली पीढ़ी को बताएंगे कि मंत्र तंत्र में क्या शक्ति है। यहाँ बैठ के आज सभी लोग बड़े चाव के साथ मिसाइल की बात करते हैं, हमारा मंत्र मिसाइल से भी दूर जाता है। हम यहाँ से नहीं, यहाँ से मंत्र बैठे कहीं बैठे आदमी को भी यहाँ से उसके ऊपर व्यवहार कर सकते हैं। आपको अगर पता है तो हमारे पास क्रियायोग में लहाड़ी महाशय भी होके गए, इससे पहले मैंने आपको बताया था क्रियायोग में लहाड़ी महाशय हो गए, वो रोज केवल 2 घंटे करते थे और एक सामान्य दफ्तर में अंग्रेजी अफसर में क्लर्क थे, क्लर्क रोज अपनी अपना कार्य करके नौकरी के लिए जाते थे। एक दिन हुआ क्या कि वो जिस दिन कार्यालय में बैठे हुए थे उनका बड़ा अफसर अंग्रेज अफसर था, वो जोर जोर से इधर उधर घूम रहा था, तो उन्होंने अपनी चिंता के साथ लहाड़ी महाशय ने पूछा कि क्या हुआ साहब, आप ऐसा घूम रहे इतना परेशान है। बोले तुम्हारे ये तुम्हारे हिंदुओं को या इंडियंस को मालूम है मूर्ख, तेरा मेरी परेशान है तेरे को क्या करने का है, तेरा तो काम कर। लहाड़ी महाशय को बोले लेकिन फिर भी हमें रहा नहीं गया और फिर उन्होंने कहा नहीं साहब मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उन्होंने उस अंग्रेजी अफसर से कहा प्रभु आप चिंता न करना आपकी बीवी अच्छी है। उस अंग्रेज अफसर ने लहाड़ी महाशय को इतनी गालियां दी कि आप याद रखो कि वो जेल में याद रखो। बोले तो मूर्ख लोग है, तार आया है अच्छी नहीं है और वो 15 मिनट बैठ के कहता है कि तुम्हारे बीवी को कुछ नहीं हुआ अच्छा है, मूर्ख है क्या, तेरे को पता नहीं चलता, ऐसी बातें क्यों करते हो, क्यों भुलावे में डालते हो, ऐसी बहुत सारी बातें करनी हर आई। और वो जब अफसर के साथ ऑफिस में आई इधर उधर घूम गई थी तो लहाड़ी महाशय काम करते हुए बैठे थे, उनने लहाड़ी महाशय को देखा
और अपने अपने रस्ते को बुलाया, वो यही व्यक्ति है उस दिन मेरे को आकर अवसर दे के गया था जिसने मैंने इस दुकान से उठे कहा इंग्लैंड में अंग्रेज दर्शक के छक्के पक्के उड़ गए, उसके हाथ पांव पकड़ कर आपने क्या बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा ये समय था, इस समय में वो 15 मिनट के लिए मेरे पास आया, उसने कुछ मंत्र बुलाया और मेरे पास औषधि और दांत ठीक हो जाओगी यही आदमी का इसलिए दिया। वो अंग्रेज अफसर कहा कि तुम्हें कैसे किस प्रकार का नमस्कार करना चाहिए, मैंने गलत बात से तुम्हें गाली दी, अब इसका प्रायश्चित मेरे लिए क्या है। तो कहा अंग्रेजों में शिक्षा देने की प्रथा होती है, हिंदुओं में शिक्षा देने की प्रथा नहीं होती, हम तुम्हें क्षमा करते हैं। ये 1947-45 की बात है, जब वो साधक इतना कार्य यहाँ पर के लंदन में कर सकता है तो हम परमानंद स्वामी किसी से एक कार्य क्यों नहीं कर सकते। के पास आपसे प्रश्न कर रहा हूं, साधना में ताकत है, आप साधनाएं करो, साधना में हम असंभव कार्य को भी संभव कर सकते हैं। और ये जब व्यक्तित्व अपने में नहीं आती, साधनाएं अपने में नहीं आती, हम कार्य नहीं कर सकते। इसके लिए सिद्धाश्रम योग, जब हम मार्ग भटक जाते हैं, हमारा मार्ग नहीं होता, तब हमें कोई ऐसा एक योग्य व्यक्ति को चाहिए जो हमें साधना के मार्ग में सिद्ध करने के लिए हो। जैसे गुरु ने आपने बहुत सारी साधनाएं देखी हैं, मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, गुरु जी मैं अप्सरा की साधना करना चाहता हूँ। क्यों रे भाई, बीवी अच्छी नहीं है क्या? बीवी है गुरु जी, फिर भी अप्सरा साधना करना क्या? तो ये किसने कहा कि अप्सरा साधना करने से क्या होता है? नहीं गुरु जी, अप्सरा टाइम पास के लिए अच्छी होती है। अरे अप्सरा साधना टाइम पास के लिए करके अप्सरा को बुलाना चाहता है तो वो अप्सरा क्या करेगी? नहीं गुरु जी, गुरु ने ऐसा कहा है कि अप्सरा से सारे सुख लेते हैं, सारे सुख लेने के लिए कर रहा है। उस अप्सरा को या उस शिक्षणी को अगर तू उसके लिए ले रहा है तो हे मूर्ख, उससे भी अच्छा जब वो साधना के लिए उस साधना से बैठकर एक सिद्धासन योगी को जब बुलाए तब आने की क्रिया कर, तेरे को हर समय मार्गदर्शन मिलेगा, सब अपने सिद्धासन के पांच वाला मंत्र के बाद आपको कल ब्रह्म मुहूर्त में उस पंचमुखी आसन पर बिठाकर एक बार मंत्र बोलते हुए आसन पर बैठकर उठना है और इच्छा बोलनी है कि हे सिद्धासन की योगी, मैं जब भी इस मंत्र का उच्चारण करूं आप मेरे पास आए। इस प्रकार अगर आप प्रार्थना भी जीवन में करते हैं तो इस सिद्धासन मंत्र की और आपकी साधना की श्रेष्ठता आज प्राप्त होगी। मैं ये इच्छा से उस सिद्धासन मंत्र को अभी आपको देना चाहता हूँ। जैसे ही गुरु आपकी संपन्न होगी, आपकी नैवेद्य होगा, उसके बाद सिद्धासन का मंत्र दूंगा, मंत्र के बाद आप तीर्थ ग्रहण करेंगे या मंत्र बोलने के बाद भी ग्रहण कर सकते। जो मैंने आज अभिषेक की बात कही थी, जिस दूध को मैंने यहाँ मंगवाया था, पहली बार सिद्धाश्रम के उन योगियों को बुलाकर उस तीर्थ को सिद्ध करके गुरु जी के ऊपर स्नान करवाया था, जो स्नान उसी समय सिद्धाश्रम में भी गुरुओं पर चल रहा था, वही समय आपको दिया। इसलिए इतने पेशेंस के साथ आपको 3 घंटे सभी को मैंने गुरुचादर पहने, लोगों को सभी को तीर्थ का स्नान करवाया, गुरु जी को अभिषेक करवाया। तो तीर्थ ग्रहण मंत्र जप के बाद करेंगे और खाना खाएंगे और उसके बाद मैं आपको कुल ब्रह्म मुहूर्त में करने की क्रिया बाद में समझाऊंगा। सभी को पंचमुखी आसन पर कल बिठाने की क्रिया करवाऊंगा। जिन्होंने सिद्धाश्रम का मंत्र लिया है या सिद्धाश्रम का उस सिद्धाश्रम की क्रिया को साधना को किया है, मैं अब आरती जब तक हो तब तक इस बात का ध्यान रखें कि आप किसी प्रकार का कोई निर्णय न करें। ऐसा सुबह विशेष मंत्र सिद्धासन का गुरु करता है, फिर एक बार कहता हूँ कि आरती हुई तो उस मंत्र को बोलना। मंत्र पता है, ओम ऐं ह्रीं श्रीं नारायण तत्व सच्चिदेकं ब्रह्म, इस मंत्र का जप करते रहो। आरती होते ही मैं सिद्धासन का मंत्र आपको प्रदान करूंगा। हम असमर्थ नहीं जिएंगे, मैं जीने नहीं देता। अगर आप मेरे साथ जुड़े हुए हैं और मैं सामर्थ्यवान जीता हूँ, आखिर तक प्रयत्नशील हूँ कि आपको सिद्धाश्रम तक ले जाऊंगा। अगर सिद्धाश्रम में ब्रह्म सत्यदेव जी संचालक है और वो वहां के श्रेष्ठता है तो हम उनके चरण पकड़ेंगे, उनकी खोजी पकड़ेंगे, लेकिन सिद्धाश्रम जाएंगे किसी भी प्रकार का ये होगा ये मैं आपसे कहता हूँ। आप सभी अभी उस सुबह जो ब्रह्म मंत्र को दिया हूँ उस मंत्र को करें, तीर्थ ग्रहण करेगा, आरती होगी, सिद्धाश्रम का मंत्र दूंगा, जिस मंत्र के माध्यम से हम सिद्धाश्रम पहुंच सकते हैं, अपनी सारी इच्छाओं को पूर्ण कर सकते हैं। कभी असमर्थ नहीं थे, जंगल में भी जिए तो मैं आपको हर बार कहूँ, मैं आज भी आप 100 लोगों को जंगल में ले जाऊंगा तो पूरी के लड्डुओं के साथ खाना खिलाऊंगा, ये साधना मेरे पास है। तो साधना आपको भी देना चाहता हूँ। आप ये इस बारे में चिंतित रहते हैं कि मेरी बीवी बच्चों को आज नौकरी चली गई तो कल कैसे खिलाऊंगा, मेरे को नहीं है नौकरी छोड़ दी तो बस जमाना हो गया और मैं 1000 लोगों को आज पा रहा हूँ, मेरे पास साधना स्थिति है तो आपको जरूर मिलूंगा। आप साधना संपन्न करें, आपको साधना आपके पास हो,
आप उस साधना के लिए अभी जो मंत्र बोला हूँ उस मंत्र को आप उच्चारण करते हैं, आरती होते ही सिद्धाश्रम का मंत्र आपको प्रदान करूंगा। एक बार जय घोष करेंगे, बोलो परमपूज्य सद्गुरुदेव भगवान की।